हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आपके लिए करियर एंड एजुकेशन बेस्ड वीडियोस लेके आती हूँ, और आज के सेगमेंट में मैं आपके लिए रिक्रूटमेंट बेस्ड वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्पाइसजेट एयरलाइंस के रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में वॉक इन इंटरव्यूज के बारे में। तो अगर आप इन जॉब पोजिशंस में इंटरेस्टेड है और स्पाइसजेट एयरलाइंस के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्पाइसजेट एयरलाइंस अपने एग्जीक्यूटिव पोजिशन एग्जीक्यूटिव केडर इन द रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में, जो कि इनका खुद का अपना कॉल सेंटर है, वहां के लिए ये वॉक इन रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाएगा ऑन द 28th of August, मतलब 28 अगस्त 2019 को 10 बजे से लेके 12 बजे तक। वेडनेसडे उस दिन पड़ रहा है। डेजिग्नेशन मैंने आपको बता दिया, एग्जीक्यूटिव रिजर्वेशन ही रहेगा आपका। लोकेशन आपका रहेगा गुरुग्राम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ बात करें, तो अगर आपने MBA करके रखा है, PGDM करके रखा है, ग्रेजुएशन करके रखा है, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद MBA या PGDM दैट इज योर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट वो करके रखा है, 12th पास है अगर आप, तो आप इनके वॉक इन रिक्रूटमेंट्स के लिए जा सकते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम यहाँ बात करें, तो क्योंकि कॉल सेंटर बेस्ड जॉब है, तो यहाँ पे आपको हैंडल करनी होगी इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल कस्टमर्स के साथ आपको यहाँ पे डील करना पड़ेगा। कस्टमर्स की क्वेरीज को आपको हैंडल करना पड़ेगा। एयरलाइन रेगुलेशंस आपको यहाँ पे इसको भी इसके ऊपर आपको यहाँ वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा सेलिंग कॉम्पिटेटिव प्राइस, मतलब सेलिंग बेस्ड जॉब भी एक टारगेट बेस्ड जॉब भी एक तरीके से हो सकती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपके रिक्वायर्ड स्किल्स की। तो गुड वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे आपकी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होनी चाहिए। अगर आपको थर्ड लैंग्वेज में किसी फॉरेन लैंग्वेज का भी ज्ञान है, से फ्रेंच, स्पैनिश, जर्मन, तब भी आप इसके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू हैंडल पैसेंजर्स एंड प्रोवाइड ओनली द बेस्ट कस्टमर सर्विस, क्योंकि ये कस्टमर सर्विस बेस्ड जॉब है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको पैसेंजर्स के सारी क्वेरीज को विथ कॉन्फिडेंस हैंडल करना पड़ेगा। 24/7 शिफ्ट यहाँ पे आपकी लग सकती है, या फिर रोटेशनल शिफ्ट भी आपकी यहाँ पे लग सकती है। इस जॉब की सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको इंसेंटिव प्लस पिकअप एंड ड्रॉप इन फैसिलिटी कंपनी के थ्रू प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जो आपको अपने साथ कैरी करने हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, 10th एंड 12th की मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, प्रोविजनल आ गई है तो वेरी गुड। सो आपको अपनी ग्रेजुएशन अगर आपने UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से भी करके रखा है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से भी अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा, किसी स्टेट बेस्ड एजुकेशन में डिस्टेंस एजुकेशन बेस्ड यूनिवर्सिटी से आपने अपनी पढ़ाई करके रखी है, आप इसके वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। बात करते हैं अब हम यहाँ पे आपके एज क्राइटेरिया की। तो 18 से 28 जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो यहाँ पे 27 के नहीं है, 28 के, क्योंकि एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में मोस्टली 27 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होती है, बट क्योंकि ये एयरलाइंस में ही जॉब निकली है, तो यहाँ पे अगर आपकी एज 28 भी है, मैक्सिमम एज आपकी 28 है, आप इसके वॉक इन रिक्रूटमेंट के लिए जा सकते हैं। ड्रेस कोड आपका फॉर्मल रहेगा, कैजुअल्स में आपको नहीं जाना है। बात करते हैं इसके टाइमिंग की, तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका ये वॉक इन रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाया जाएगा, और वेन्यू आपका रहेगा प्लॉट नंबर 319, उद्योग विहार, फेस 4, गुरुग्राम, हरियाणा 122016, ठीक। पर्क्स एंड बेनिफिट्स सब कुछ आपको कंपनी के थ्रू प्रोवाइड कराया जाएगा। एक बार जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, तो आप अपने HR से आपके पर्क्स, बेनिफिट्स, इंसेंटिव, सैलरी इंक्रीमेंट्स, इन सब के ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करती हूँ। अगर आपके पास इस जॉब पोजिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कॉमेंट्स या क्वेरीज है, पेज चेक आप मेरे वीडियो के नीचे लिखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि विद इन द नेक्स्ट पीरियड ऑफ 24 आवर्स आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। अब हम मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। इस वीडियो में जिस जॉब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, उसका रिक्रूटमेंट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जरूर उसके लिंक को ओपन करके पढ़िएगा और अपने इस जॉब इंटरव्यू के लिए जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे जल्दी से रैप अप करती हूँ। बाय एंड टेक केयर।